इस उन्होंने रोक दिए और रोकी क्यों है कि जो मोदी ने आश्वासन दिया है तो अब जो मोदी ने आश्वासन दिया है मैं नहीं समझता कि ये ट्रांसपोर्टरों ने और ड्राइवरों ने मोदी पर कैसे यकीन कर लिया मोदी जैसा झूठा व्यक्ति जिसने पहले चुनाव में चौदह के चुनाव में कहा था कि हर हर एक के खाते में पंद्रह लाख आएंगे विदेशों से धन लेके आएंगे जब ये अडानी अम्बानी के जरिए सारा पैसा विदेशों में कितने है? करीब ग्यारह आदमी इन्होंने ग्यारह गुजराती इन्होंने पैसा ले बाहर भेज दिए है तो न तो विदेशों से आने के बजाय विदेशों में पैसा भिजवा रहे हैं बीजेपी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है नीरव मोदी ने कह दिया ढाई सौ करोड़ तो बीजेपी को हम दे के आए तो ये समझ लो ये तो बेईमानों की चोरों की लुठोरों की लुच्चे लफंगों की सरकार है और इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए मोदी पर विश्वास नहीं करना चाहिए मोदी की सरकार पर विश्वास नहीं करना चाहिए अच्छा जो मोदी सरकार कानून लेकर के इसमें आई है देश में अभी तक पिछले साढ़े नौ साल के दौरान सभी का विरोध होता है देश में चाहे तीन तलाक हो चाहे तीनों किसान कानून हो चाहे नोटबंदी हो चाहे तीन सौ सत्तर हो पैंतीस हो या फिर ये हिट एंड रन वाला केस आ वा गया इसमें इसमें भी विरोध हुआ है बड़ा तगड़ा देखिए ये आर का एजेंडा है आर में और एक एक बात और है ये जो जो ट्रांसपोर्ट का जो अभी, अभी जो कानून हिट एंड रन का जो कानून लेके आ रहे थे उसमें नाइन्टी ड्राइवर ये दलित आदिवासी या दलित मुसलमान उसी में से होते हैं निचले तबके मतलब सूद्रों में से ही ड्राइवर होते थे तो इसलिए इनको सजा मिला है मैक्ममम सजा मिला है ऐसा ये आरएसएस का है ये इसमें जाति का भी एक फैक्टर था जिस कानून के पीछे कि ये ज़्यादातर एससी एसटी ओबीसी के और मुसलमान ईंट आपको ड्राइवर ज़्यादा मिलेंगे ए और कुछ करते नहीं चलो जो भी ये दस पाँच हजार रुपया मिल गया साल में वो महीने में उसको कर लिया तो इस उससे भी कि इनको जो जो इस देश के मूल निवासी हैं वही प्रताड़ित हों वही नाइन्टी नाइन परसेंट ड्राइवर हैं तो इस इस ये भी एक नजरिया इनका इस कानून को बनाने तो से मार मारने की कोशिश है बिल्कुल सामाजिक तौर तो पर इनको इनको मतलब बिल्कुल पैदल कर देना भूखा मारने की कोशिश कोशिश थी इसमें देखिए ये जो हिट एंड रन जो केस बना रहे हैं जो पहले पुराना कानून था जो ट्रांसपोर्ट का जो 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 एक्ट एक था उसमें ड्राइवर को छः महीने की सज़ा होती थी क्योंकि कोई भी ड्राइवर जानबूझ के किसी को एक्सीडेंट नहीं करता ये बिल्कुल है मैं भी अब अगर अपनी गाड़ी चलाता हूँ तो मैं भी ड्राइवर हूँ तो कोई भी जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता लेकिन यहाँ लोगों को इंडिया में लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है अपनी लेन में नहीं चलेंगे तो जो जो पैदल वाले हैं वो फुटपाथ पर नहीं चलेंगे इधर कोई इस गली से निकल के आएगा इस गली से निकल के आएगा मशीन है आखिर कोई कब तक बोर्ड लगाएगा तो वो तो हिट एंड रन तो होता ही है रन क्यों रन क्यों होता है कि अगर ड्राइवर भागेगा नहीं गाड़ी छोड़ के तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी मॉब लिंचिंग हो जाएगी लिंचिंग में उसको पीट पीट के मार डालेंगे वो बेचारा जान बचा के भागता है लेकिन मोदी जो एक अनपढ़ व्यक्ति जो कानून लेके आया है अगर पढ़ा लिखा होता कानून का ज्ञाता होता तो वो समझता कि भाई ये इसकी क्या है लेकिन कानून तो पढ़े लिखे लोग बनाते हैं तो सेक्रेटरी होते हैं केंद्र में भाई वो तो ज, जैसा राजा वैसे वैसी बैस, सरकार वैसे बैस, लोग वैसे बैस, उसके कर्मचारी ये तो स्तुतिगान होता है राजा का जो उसके सेक्रेटरी होते हैं स्तुतिगान करते हैं तो ये एक, एक तरह से मोदी का आपने आपने नेता ने गाइडलाइन दी थी कि भाई ऐसे ऐसे करके ये ड्राइवर बचाना नहीं चाहिए इस पर दस लाख का फाइन लगाओ कि इसको ऐसा लगाओ कोई भी अपने आप एक्सीडेंट करना कोई किसी को मारना नहीं चाहता इवन जानवर को भी आदमी बचा लेता अपनी जान पर खेल खेल जाते हैं चाहे मोटरसाइकिल का हो चाहे कुछ हो तो वहाँ जैसे ही मान लो कोई आदमी मर गया और अगर ड्राइवर मौके से नहीं भागेगा तो उसकी मॉबलिंग चेंक हो जाएगी लोग इकट्ठा कर करके मार मार, मार डालेंगे या फिर पुलिस उसको इतना मारेगी कि बेटा इतना ये जो कानून जो लेके आ रहे थे कानून से तो पुलिस इतनी मतलब पावरफुल हो जाती कि बेटा या तो सौदा कर ले दस दस लाख का जुर्माना है और तो बता पाँच लाख देता है तो मैं तुझे छोड़ता हूँ जो पाँच सात हज़ार रुपया बढ़ जाएगा और करप्शन बढ़ेगा बिल्कुल पुलिस करप्शन बढ़ेगा और जो एक्सीडेंट तो रोज होते हैं जो सड़क के किनारे जो थाने होंगे जो होते हैं उनकी उन, उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी क्या ये मोदी नहीं जानता कि यहाँ पुलिस की पुलिस की नेचर क्या है सलमान खान जैसे लोग तो अंदर चले जाएंगे ना जो दारू पियर गाड़ी चलाते हैं फुटपाथ पर लोगों को कुचल देते हैं अरे सलमान खान मुसलमान है तो वो जेल चला जाता है और गए सर वो वो भी भी बच हैं बच गए थे वो वो बच बचे बाद में कैसे बचेंगे नहीं बचा होंगे और संजय दत्त हैं संजय दत्त तो ए के फोर्टी सेवन रखने के बाद भी कहाँ थोड़े दिन जेल में भेजा निकल आए वो अफीम चर्स पीने वाला व्यक्ति उसको उसको नहीं देखिए एक बार ये था इसका जो बीजेपी का वो था उसका लड़का उसमें पकड़ा गया था ड्रग ड्र, में पकड़ा गया था तो वाजपेयी ने कहा ऐसे लड़कों से गलती हो जाती है उनसे गलतियाँ हो जाती हैं और हमारे लोग तो क्रिमिनल बनाए बना दिए जाते हैं तो जो जो ये एक्ट लेके आए थे ट्रांसपोर्टर ट्रांस्पोर्ट, के लिए हिट एंड रन का जो इन्होंने लेके आए थे तो हिट एंड रन तो ये तो बट नेचुरल है जो मार के भागना भा, ही भागना ही भाग है नहीं तो मारा जाएगा मोबलिनसिंग में मारा जाएगा जो तो जो लोग लो मोबलिनसिंग करते ड्राइवर की उनको फांसी होती नहीं फांसी कहाँ आज तक फांसी हुई क्या अभी एक वीडियो है मैं आपको भेजूंगा इसे अगर कोरिलेट करें तो एक ड्राइवर है मुस्लिम मुस्लिम ड्राइवर है उससे जैसी राम बुलवा रहे हैं मतलब भारत माता की जय बुलवा रहे हैं और उसको पीट रहे हैं इतना पीट रहे हैं कि सारा चीख चीख के वहाँ है उसका बुरा हाल है तो मैं वीडियो देखूंगा अगर आप समझते हैं तो उसके साथ में लगाइए कि कैसे मॉब लिंचिंग हो रही है यदि कड़ा कानून आ जाता है हमारे देश में लागू हो जाता है तो सड़क हाथ से रुकेंगे लोगों की जान तो बचेगी देश में देखिए जिस दिन इस देश का मतलब इस देश की न्यायपालिका और पुलिस ईमानदार हो जाएगी उस दिन तो फिर मतलब साधारण कानून भी काम करेगा बाबा साहब ने जब संविधान पेश किया तो उन्होंने ये यही कहा था कि अगर अच्छे लोग लो के हाथ में संविधान जाएगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे और घटिया लोगों के हाथ में संविधान होगा तो रिजल्ट बुरे रिजल्ट आएंगे तो आज घटिया लोगों के साथ में और उन लोगों के हाथ में संविधान गया जो हम यहाँ के दलितों को आदिवासियों को और पिछड़ों को फुटिया आँख देखना पसंद नहीं कर सकते थे उनके बापदादों ने हज़ारों साल जिन पर जुल्म किए उन्हीं के हाथ में संविधान चला गया सर बड़ा सवाल ये है कि जो मोदी सरकार है उसने ट्रैफिक चालान कई गुना बढ़ा दिए महंगे चालान हो गए हैं चाहे हेलमेट का हो बेल्ट का हो या जो लाल बत्ती पार करने का हो जयपुर क्रॉसिंग का हो एक्सीडेंट का हो या कुछ भी हो उसके बावजूद देश में जो हादसे वो कम नहीं हुए जुर्माना तो बढ़ गया है ट्रे ट्रैफिक चालकों पर लेकिन एक्सीडेंट में लोग ना मौत कम हुई है ना हादसे कम हुए हैं तो ये जो नया कानून आ रहा है हिट एंड रन वाला क्या लगता है क्या इससे जो हाथ से रुकेंगे देखिए हाथ से न कभी रुकें ना रुकें मैं बता ना को कोई इंटेंशन नहीं बढ़ता जो ड्राइवर होते हैं ड्राइवरों ड्राइवर होते हैं ड्राइवर को एजुकेट कौन करता है कौन, कौन उनको ट्रेनिंग दे रहा है कौन उनको कानून बताता है कोई कोई नहीं बताता ट्रैफिक रूल का स्कूल भी नहीं खोले उन्होंने सरकार की तरफ से कोई ट्रेनिंग नहीं देते ट्रैफिक सेंस भी नहीं जनरेट करती पुलिस का काम है ट्रैफिक सेंस जनरेट करा है वो तो वहाँ खड़े हो भी नहीं पता बहुत से कानून तो ला, लांच काट वो, वो सिर्फ चालान काटने के लिए पुलिस होती है बाकी ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते ये तो ये ये जो करप्शन है करप्शन चाहे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर करप्शन हो कि वो पैसे लेके आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा पैसे लेके आप टेस्ट पास हो जाएंगे तो ये सारा प्रक्रिया ये पूरी फॉलो करते हैं लेकिन हर जगह पैसा चढ़ता है ये करप्शन है करप्शन की वजह से जो एजुकेट करना चाहिए ड्राइवरों को जो ड्राइवर लाइसेंस उसी को मिले जो पूरी तरह से इसके जो ट्रैफिक लॉ से वाकिफ हो ट्रैफिक के कानून से बाफिक हो जो बाफिक ही नहीं है तो गड्ढा मुक्त तो नहीं हुई है बहुत सारे हादसे होते हैं इन सड़कों का तो आप देखिए सड़कों की जो जो बीजेपी जो सड़क बना रही है तो पहले कितना था अठा अठारह अठारह हज़ार करोड़ था अठारह करोड़ पर पर किलोमीटर था अब बीजेपी के टाइम पे वो ढाई सौ करोड़ पर पर किलोमीटर हो गया देखिए जो सड़क बन रहे हैं जो, जो कॉरिडोर बन रहे हैं बड़े बड़े सिक्स लाइन फोर लाइन बन रहे हैं तो पहले अठा, अठा, अठा अठारह करोड़ पर पर किलोमीटर था अब बीजेपी ने उसको ढाई सौ करोड़ पर ये तो ए एज, एज, जी सी आर की रिपोर्ट में आ गया ना तो आप आप समझ लो क्या करप्शन कहाँ से है भाजपा करप्शन की खान है आरएसएस के लोग लुटे रहे हैं बीजेपी के लोग लुटे रहे हैं कहाँ अठारह करोड़ कहाँ ढाई सौ करोड़ ये तो ऑडिट रिपोर्ट में आया है ना ये तो तो आप समझ लो कि अब करप्शन इतना है मंत्री करप्शन कर रहा है ई वी एम का जो आंदोलन हो रहा है ई वी एम के आंदोलन में किसान भी शामिल हों ट्रांसपोर्टर भी शामिल हों और इस देश का चक्का जाम करें ई वी एम हटेगी तभी देश बचेगा तभी किसान बचेगा तभी तभी ये ड्राइवर बचेंगे उससे पहले नहीं बचेंगे तो उनकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास था लोगों ने चाबी पकड़ा दी मालकों को भाई हम नहीं हम कहाँ से दस लाख रुपये देंगे कहाँ से कहाँ से हम, हम पाँच सात हज़ार दस हज़ार सरकार डर गई है ड्राइवरों से देखिए डरी इनका कुछ नहीं कर सकते सैतानों का कुछ नहीं कर सकते चार छः महीने निकाल देंगे तब उनकी सरकार फिर पाँच साल के लिए आ जाएगी ऐसी टैसी ड्राइवरों की किसानों के किसानों के कानून के साथ क्या हुआ खिलवाड़ हुई कुछ नहीं किया इन्होंने तो ये झूठे और मक्कार हैं ये पूंजीपतियों की सरकार है पूंजीपतियों की सरकार से किसी भी गरीब का कोई कोई भला होने वाला नहीं है न इस देश में ये किसान के बारे में सोचेंगे न मजदूर के बारे में सोचेंगे और ये ये तो लाखों अभी जो जो ड्राइवर थे उन्होंने ड्राइवर को खुद बोले हैं कि हम जूते पर पालिश करके अपनी जीप का चला लेंगे लेकिन हम ड्राइवर ही नहीं करेंगे कहां से दस लाख का जुर्माना भरेंगे कानून लेकर के आ जाते हैं चाहे नोटबंदी हो अब जैसे कि वो दो का नोट इन्होंने वापस ले लिया अभी नोट तीन सौ करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं आए मोदी सरकार के पास वो नौ हजार तीन सौ करोड़ के नोट वापस नहीं आए और उसकी छपाई में भी मतलब लाखों करोड़ रुपया खर्च कर, कर चुका उसमें वो नोट कहाँ गए क्यों 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 तो लेके आए क्यों बंद किए ऐसी ऐसी तो क्या तो क्यों बात क्यों चाटते मोदी सरकार ये, ये, ये निरंकुश है ये तानाशाह है मोदी और पूरी तानाशाही से ये कर रहा है अभी देखिए उस कानून का जो जो अभी आईपीसी सीआरपीसी जो सी जो एक्ट जो चेंज किए सारे अपोजिशन को बाहर निकाल दिया उनकी तो लिंचिंग कर दी बाहर बाहर निकाल के बाहर निकाल दिए बिना बहस के कोई कानून पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है किसी से पूछने का इनका क्या मतलब होता है बिना बहस के कानून पास करना ये तो ये समझ लीजिए कि कैसे इस देश को ज, जितना भी जल्द हो सके इस देश को मोदी मुक्त योगी मुक्त और शाह मुक्त जिसमें यह देश हो जाएगा तो सारा कम्युनल और ये सब कुछ कम्युनल आर्मी फिर से कायम में हो जाएगी और सब किसान भी खुश होगा और और ये ये जो दलित भी खुश होगा मजदूर भी खुश होगा तभी खुशहाली आएगी निश्चित तौर से मोदी पर भरोसा मोदी और इसकी सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए इस देश के ड्राइवरों को ट्रांसपोर्टरों को दोबारा सोचना होगा और जो जो ई के ख़िलाफ़ जो आंदोलन चल रहा है ई हटाने के लिए ई के हटाए बगैर ये तीनों राक्षस इस देश का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो इसलिए ई के आंदोलन को मजबूत करने के लिए मैं अपील करता हूँ किसान भाइयों से मजदूर भाइयों से ड्राइवरों से एक साथ सारे मिलकर एक साथ नारा लगाएं एक साथ चलें कि ई हटाओ मोदी हटाओ देश बचाओ तभी देश, बचाओ, तभी देश बचेगा धन्यवाद